इंटीरियर तो भाई एकदम बुरा भाई, टॉप एंड से भी ज्यादा अच्छा बना दिया भाई, टॉप से ऊपर हो गया भाई, फिटिंग रहता है भाई, कोई लीकेज भी किसी कोई लीकेज 100% गारंटी रहता है, 100% गारंटी रहता है। आपने तीन तीन चीजें फ्री में दे रहे हो भाई, बेस्ट टू टॉप पे जेट टू वाले भाई। इस लेवल की अगर मॉडिफिकेशन करवाते हैं इस लेवल की तो भाई लगभग क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगी भाई। तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे ऑटो ड्रीम कार सीरीज में। और भाई आज हमारे पास आई थी भाई स्कॉर्पियो एन जेड टू मॉडल, मतलब कि एकदम बेस मॉडल आया था भाई। तो भाई अपने साथ है भाई संदेश भाई, अपने साथ है कार्तिक भाई। तो संदेश भाई एकदम ही बेस मॉडल को भाई तुमने एकदम सुपर लग्जरी 8 मतलब कि एल प्लस जो भी है भाई सब कुछ ऊपर बना दिया, मॉडल से भी भाई एकदम ऊपर बना दी भाई। तो भाई स्टार्ट कर दो भाई, क्या क्या टॉप करके थक गया था भाई, स्टार्ट कर दो भाई, क्या क्या काम हुआ भाई गाड़ी के अंदर। स्टार्टिंग से यही रहने वाला है, फोग लैंप फोग लैंप जेन्युइन डीआरएल वाली जो है जेन्युइन स्विच से ऑन रहेगी ये। अच्छा अभी जेन्युइन स्विच से ऑन रहेगी फॉग लैंप, हेडलाइट में एलईडी इंस्टॉल हो गया है। तो भाई दो मिनट जरा रुकना पड़ेगा भाई, ये जो आपने फॉग लैंप लगाया भाई महिंद्रा जेन्युइन लगवाए हैं जी, तो भाई इसके क्या कॉस्टिंग पड़ जाएगी? 8,000 रुपया बेस्ट टू टॉप करवाते हो जेट टू में, तो जेट टू में भाई सब कुछ इसमें फिटिंग चार्ज लेबर वगैरह सब कुछ हो गया आपका, बेजल वायरिंग फॉग लैंप और कॉम्बिनेशन स्विच के अंदर ऑन करके ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना फॉग लैंप से भाई आगे फ्रंट का, और भाई आगे क्या हुआ है भाई? आगे हमने एलईडी इंस्टॉल किया है 180 वाट, जिसके 180 वाट लो बीम में 180 वाट हाई बीम में, डबल पेयर एलईडी इंस्टॉल किया है भाई। इसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी? 2 ईयर गारंटी रहेगी भैया। और भाई अपना इसका क्या रेंज पड़ जाएगा प्राइस? मतलब भैया एलईडी तो वैसे 8,000 से, डबल पियर 8,000 से 13,000 तक स्टार्ट है, स्टार्टिंग 8,000 से 13,000 तक है, मतलब कोई भी ब्रांड बोलेंगे वो ब्रांड मिल जाएगा। हाँ जी, 10,000 या 11,000 के बीच में एकदम सुपर से ऊपर मिल जाएगा, सुपर से ऊपर मिल जाएगा ठीक है भाई। तो और भाई और आगे आते भाई, तो देखो भाई और आगे अपना 7 स्लॉट वाला जो ग्रिल होता है क्रोम वाला महिंद्रा का ओरिजिनल जेन्युइन वाला, इसका आपका प्राइस रहने वाला है 3,000 रुपया। हाँ जी ठीक है भाई, बेस्ट टू टॉप के लिए। नीचे अपना पार्ट जो रहता है ब्लैक रहता है उसको हमने सिल्वर कर दिया है, सिल्वर करा है जो कि भाई एकदम डिप पेंट रहने वाला है। डिप पेंट की भाई क्या गारंटी वारंटी रहेगी भाई? 5 साल की गारंटी है भैया, 5 साल की गारंटी भाई, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 लेयर पेंट है, ऐसा ना स्प्रे पेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, डिप पेंट है भाई एकदम प्रॉपर, मतलब की भाई फिनिशिंग जरा चेक कर लो जरा एक बार। 7-8 घंटा टाइम लगता है तो काम तो अच्छा होगा ही, काम तो अच्छा होगा ही भाई। तो भाई और साइड प्रोफाइल में मैं आपको भाई जरा दिखाया, तो भाई अलॉय लगे हैं विद रेड कैलिपर भाई, तो कैलिपर जो हुआ है अपना पेंट हुआ है। और भाई जो टायर है भाई कितने इंची लगे भाई? टायर अपना 17 इंच लगे, स्टॉक टायर में ही 17 इंच वाले लग जाते हैं। अच्छा स्टॉक टायर में, तो भाई इसका क्या पड़ जाएगा कॉस्टिंग? 45,000 पड़ेगा विद कैप, विद कैप। हाँ जी, ऐसा नहीं अलॉय अलग से जोड़ दिया और कैप का पैसा अलग से जोड़ दिया। अच्छा ठीक है भाई। और भाई और अगर साइड प्रोफाइल में आते भाई तो साइड में और क्या काम होगा? साइड प्रोफाइल में अपना मिरर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ मैट आता है तो इसको बॉडी कलर चेंज कर दिया, आप बॉडी कलर से मैच करके चेकआउट कर सकते हो। हाँ भाई एकदम फिनिशिंग भाई, टॉप नॉच वाली फिनिशिंग है भाई। तो भाई अगर कोई अगर बाई चांस समझ लो कि किसी को ऑटो फोल्ड करवाने हो तो भाई उसकी क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगी? उसकी कॉस्टिंग टोटल पड़ जाएगी 11,000 रुपये, मतलब की विद फिटिंग वगैरह सब कुछ करके। ठीक है भाई, तो भैया मतलब की उसमें भाई चाबी वाबी से भी लॉक अनलॉक करेंगे तो प्रॉपर वर्किंग होगा? ठीक है भाई। तो भाई आप जैसा कि भाई नीचे मैं आपको दिखा दूं भाई, फुट स्टेप लग चुके हैं भाई, महिंद्रा के जेन्युइन एकदम फुट स्टेप लगे भाई, चढ़ के दिखा दो भाई, ये देखो भाई भले भाई पूरी गाड़ी हिला दी पर उसको भी कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं होगा। तो भाई इसका क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगा? इसका कॉस्टिंग रहेगा भैया 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ठीक है भाई। और भाई ऊपर रूफ रेल का भाई? रूफ रेल 6,000 रुपया, 6,000 रुपये भाई, ये देखो भाई नट बोल्ट से प्रॉपर फिटिंग रहता है भाई, कोई लीकेज भी किसी कोई लीकेज 100% गारंटी रहता है, 100% गारंटी रहता है। जो पहली बार लगाता है उसको डर लगता है, पहली बार थोड़ी लगाता है। और भाई अपने तो भाई 3-4 गाड़ियां रोज की लगती है, रोज की लगती है ठीक है भाई। के बाद साइड में बात करें तो हमने लोअर गार्निश इंस्टॉल कर दिया, जो कि 4 पीस है, इंस्टॉल 4 पीस जो रहता है रिप्लेसमेंट बात रहता है, और 2 पीस जो रहता है क्रोम रहता है, क्रोम क्रोम रहता है जो कि पेस्टिंग वाला रहता है। ठीक है भाई, इसका क्रोम में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें देखो भाई जैसे कि इसमें ज्यादा ग्लॉस होगा और इसमें थोड़ा सा डल होगा, थोड़ा सा डल होगा, मतलब कि ये ओरिजिनल जेन्युइन से ही आता है, अभी जेन्युइन ही रहता है, लेकिन ये एक्सेसरीज पार्ट में आती है, रिप्लेसमेंट उसमें रिप्लेसमेंट पार्ट में आता है। अच्छा ठीक है। तो भाई अगर सेम अगर करवाना हो तो भाई आपको भैया क्वार्टर पैनल चेंज करवाना पड़ेगा, उसका कुछ अलग से पड़ जाएगा, उसका ज्यादा पड़ जाता है। और भाई फिर क्वार्टर ग्लास कोई चेंज कराना भी नहीं चाहता, कराना ही नहीं। ठीक है भाई। तो और भाई अगर थोड़ा बैक साइड से मैं दिखाया तो भाई गाड़ी में क्या काम हुआ भाई? बैक साइड से सबसे पहले अपना स्पॉइलर लगा है, स्पॉइलर लगा है, जो मॉडल में नहीं आती है। हाँ वो भी बॉडी कलर पेंट कर दिया गया है, एकदम बॉडी कलर पेंट कर दिया भाई प्रॉपर, फिटिंग में चेक कर लो भाई जरा एकदम फिटमेंट एकदम, ऐसा टेस्टिंग कोई आइटम ही नहीं है अपना, टेस्टिंग आइटम नहीं है। देखो भाई पूरी गाड़ी हिला दी पर कुछ स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर नहीं। तो भाई अपना पीछे भाई वाइपर भी लग चुका है भाई, तो भाई इस वाइपर का वर्किंग है या डमी है भाई? ये भैया डमी रहने वाले है, ये डमी रहने वाले भाई। डमी का क्या लगभग कॉस्टिंग है? कुछ 1,000 रुपीज है, और वर्किंग करवाते हो तो 7,500 भाई, तो मतलब की एकदम जेन्युइन वाला वर्किंग होगा भाई, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वॉशर के साथ रहेगा पूरा पूरा
ठीक है भाई। और भाई नीचे आया थे भाई तो अपने भाई गाड़ी लग कार्ड लग चुका है भाई, जैसे कि आप लग चुका है अभी जर्मन महिंद्रा का है जो कि फोर क्लैंप वाली है। अच्छा अच्छा, बाकी टू वाली आती है, फोर वाली है। अच्छा जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई, एक ये क्लैंप हो गया। अच्छा ठीक है भाई, फोर क्लैंप हो गया, चेकआउट कर सकते मतलब कि भाई गाड़ी हिल जाएगी पर ये नहीं टूटेगा भाई बिल्कुल भी। उसके बाद अपना कैमरा इंस्टॉल किया DH05 जो कि हमारे गाड़ी में लगाते हैं भाई, ब्लो पंक का कैमरा जो हर बार भाई जैसे कि हम यही लगाते हैं मेनली भाई, क्योंकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में सबसे बेस्ट आता है भाई एकदम। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगी इसकी भी भाई? जेट टू वाले भैया के लिए 1800 से 1900 रुपया पड़ेगा, और जेट सिक्स जेट फोर में तो अडेप्टर लगती है, अडेप्टर का पैसा अलग से यार होगा। अच्छा क्यों भाई, ऐसा क्या मैंने सिस्टम है भाई? क्योंकि इसमें जो हाफ एंड्रॉइड आती है, एंड्रॉइड में तो कोई सा भी कैमरा आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जो महिंद्रा का जेन्युइन वो रहता है। अच्छा इसीलिए आपको अडेप्टर की जरूरत पड़ती है, अडेप्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और अपना ये लगा है फोर एक्सप्लोर, फोर एक्सप्लोर फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई ये तो भाई, टॉप से मतलब बेस टू टॉप करवाओगे इसके लिए तो सबके लिए फ्री रहेगी। और ये एडोनेक्स, अच्छा ये भी फ्री रहेगा और ये भी फ्री रहेगा। अच्छा भाई मड फ्लैप भी, मतलब कि भाई आपने तीन तीन चीजें फ्री में दे रहे हो भाई, बेस टू टॉप पे जेट टू वाले भाई के लिए। जेट टू भाई मतलब जेट टू टू जेट सिक्स जेट एट बनाएंगे उसके लिए, सबके लिए फ्री है भाई। तो भाई अपने बाहर से तो पूरा चेकआउट कर लिया भाई, जरा इंटीरियर और देख लेते कैसा हुआ अपना इंटीरियर भाई, जरा इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ भाई आपको। पहले तो भैया आर पार की कर दिया, आर पार का इंटीरियर कर दिया भाई, देखा नहीं होगा आपने ऐसा। मतलब कि भाई इंटीरियर तो भाई एकदम पूरा भाई टॉप एंड से भी ज्यादा अच्छा बना दिया भाई, टॉप से ऊपर हो गया भाई। तो भाई स्टार्ट कर दो भाई, जरा मैं देख पा रहा हूँ भाई साइड में पूरा सॉफ्ट टच हो गया अपना, सॉफ्ट टच हुआ है। उसके बाद अपना एम्बियन लाइट के फोर वाली लगा है, साइड में दरवाजा अपना रबर पेंट हो गया है, और स्विच प्लेट चेंज हुआ है, ग्रैब हैंडल चेंज हुआ है, इनर हैंडल चेंज, इनर हैंडल मतलब कि सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ही चेंज हुआ है भाई, अंदर से इंटीरियर में तो सब कुछ ही चेंज हुआ है भाई। तो भाई फिनिशिंग जरा चेक कर लो जरा। तो भाई ये जो अपना पार्ट है ग्रैब वाला, ग्रैब हैंडल वाला भाई, ये अपना पेंट में रहेगा या रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट, ए रिप्लेसमेंट पार्ट है, आप पेंट भी करवा सकते हो, पेंट भी करा सकते हो, मतलब कि जनरल का रिप्लेसमेंट पार्ट है, तीनों अपना रिप्लेसमेंट पार्ट है, तीनों अच्छा आप पेंट करवा सकते हो। अच्छा ये अभी तीनों रिप्लेसमेंट पार्ट है भैया। ठीक है भाई, तो ये जो भाई तुमने ये जो सॉफ्ट टच करा है भाई, भाई इसकी फिनिशिंग जरा एक बार चेक कर लो, सिलाई आप चेक करो भैया, काम तो सभी करते हैं लेकिन देख लो भाई, ये देखो जरा फिनिशिंग देखो भाई। तो भाई ये कौन सा अपना वो लेदर लेने वाला है, मतलब कि वो जो फैब्रिक का कौन सा होगा भाई? ये फैब्रिक अपना रहने वाला साका। अच्छा साका ले फैब्रिक है, लेकिन अपने पास और भी बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी कुछ भी ले सकते हो उसमें, जैसा आप बोलोगे वैसा, गूगल से फोटो निकालो, किसी दोस्त यार से फोटो ले लो, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है भाई, तो भाई अगर अंदर आ जाते भाई जरा और सीट कवर देखो भाई, जरा भाई फिनिशिंग देखो, कहीं से भी आपको कोई रिंकल नहीं दिखेगा भाई, देखो ये देखो। तो भाई सीट कवर का क्या कॉस्टिंग बैठेगा भाई? सीट कवर भैया ऐसे तो अपना 9000 से स्टार्टिंग रहता है, ठीक है, सीट कवर जो है 13500 की है, 13500 भाई, 9000 से अपना वैसे स्टार्टिंग रहता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कुशनिंग वाली है। अच्छा और कस्टमाइज सीट कवर है, इसलिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, इसे थोड़ा रेट थोड़ा इसका ज्यादा है भाई, बाकी आने के बाद हो जाएगा, बाकी आने का तो भाई डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो है ही भाई। और भाई अपना स्टीयरिंग रैप हुआ भाई, जैसा कि आप देख सकते हो डिजाइन में है भैया का, वो क्रूज कंट्रोल नहीं चेंज करवाया। अच्छा इन्होंने चेंज कराने का रिक्वायर्ड नहीं था, उन्होंने बोला मना कर दिया था, चलो भाई ये पीस पूरा ब्लैक आता है तो इसको भैया ने सिर्फ सिल्वर। अच्छा भाई बाकी तो मैं ना भाई फिनिशिंग चेक करो भाई, मतलब कि इसमें भाई एकदम सिलाई में तो कुछ है ही नहीं भाई, एकदम फिनिशिंग इतनी प्रॉपर है भाई, तो मतलब कि ये सब इंटीरियर का ही पार्ट हो गया अपना सारा भाई। ठीक है भाई, और भाई जैसा कि अब मैं अंदर दिखाता हूँ भाई, अंदर कुछ भी भाई अपना ग्लॉस नहीं हुआ, सारा का सारा मैट ही है, मैट ही है। सेकंड पार्ट में भैया बोले ग्लॉसी वाले काम सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कराएंगे। मैं ये पिलर लगा है, ये पिलर लगा है भाई, जैसा कि आप देख सकते हो पूरा स्टिक आपको रहने वाला 1200 रुपया, 1200 रुपये भाई। और भाई अगर ऊपर आपको मैं दिखाऊं भाई, जैसे कि सन ग्लास होल्डर भी लगा है अपना, और ये अपना लगेगा भाई एकदम टॉप एंड वाला भाई एकदम भाई, ये जो है अपना ये कितने का पड़ जाएगा लगभग? ये भैया आपको पड़ जाएगा 4500 रुपया, 4000 रुपया का, टॉप मॉडल वाला, टॉप मॉडल वाला। तो भाई जैसा कि देख सकते हो भाई प्रॉपर वर्किंग के साथ है, ये देखो डोर पे भी कर सकते हो और ये सब कुछ होता है भाई। और भाई क्वालिटी तो देखो भाई, कोई ये नहीं बोल सकता भाई कि फिनिशिंग में कोई दिक्कत है, ये देखो जरा आप टाइम दोगे तो फिनिशिंग एकदम आर पार की मिलेगी, बाकी रेट तो ऊपर नीचे मार्केट में हर एक कोई का भाई इसका लगभग। वैसे गाड़ी का अगर इस लेवल की अगर मॉडिफिकेशन करवाते हैं इस लेवल की, तो भाई लगभग क्या कॉस्टिंग बैठ जाएगी भाई? भैया अलॉय के साथ 160-170 पड़ जाती है, 160-170 पड़ जाती है भाई। और भाई ये अपना जो है मतलब की लगभग लगभग तो सर हमने कवर कर ही लिया है भाई,
तो भाई इसमें मेन जो अपना पार्ट है अभी कस्टमर से हम रिव्यू ले लेते हैं, तो भाई बाकी सारा ये काम कहाँ होगा भाई? अपना ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज, ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज पे होगा भाई, जैसा कि आप देख सकते हो भाई। और भाई ये कहाँ पड़ेगा अपना ऑटो ड्रीम भाई? करोल बाग अब्दुल अजीज रोड, अब्दुल अजीज रोड। तो ठीक है भाई, तो भाई अगर हमारे भाई चैनल देख के आता है कोई तो भाई डिस्काउंट कितना मान के चलते हैं? तो फुल डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 रुपए डिस्काउंट कर देंगे सारा काम के बाद। पक्की बात है भाई, पक्की बात है। चैनल सब्सक्राइब और लाइक दोनों करके आना। हाँ, वीडियो भी लाइक देखेंगे भाई, ऐसा नहीं यहाँ के चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। हाँ चलो भाई, तो भाई कस्टमर का रिव्यू ले लेते, फीडबैक लेते भाई इनको काम कैसा लगा भाई फटाफट से। तो भाई कस्टमर ने तो अपन को रिव्यू देने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो भैया कोई रीजन से आना नहीं चाहते। भैया का कहने का मतलब ये है कि हम जेट्टू गांव में जाए तो ऐसा नहीं मालूम चलना चाहिए से हम जेट्टू लेके आए। जेट्टू लेके आए क्योंकि भाई एकदम शोरूम से जेट लेके आए, क्योंकि भाई शोरूम से निकाल के सीधा गाड़ी आई अपने पास भाई। तो भाई ये इसी कारण से भाई अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, बाकी तो और अपने चैनल पे रिव्यू तो लोगों के दिख गए होंगे आपको। तो भाई जो भी चैनल पे अपने नए आए भाई, जरूर जरूर भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई करके जाना। और भाई जरूर कांटेक्ट करना भाई, कोई भी गाड़ी हो डिटेल लेना भाई, गाड़ी हो आप, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है आप कॉल करके बेझिझक पूछ सकते हो भाई। ठीक है भाई।